हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम वेडिंग आउटफिट आइडियाज फॉर 2024। अगर आपकी खुद की शादी होने वाली है या फिर आप किसी और की शादी अटेंड करने वाले हो, दोनों ही केसेस की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी में जितने भी फंक्शन होते हैं, हम सब फंक्शन को कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद हल्दी फंक्शन। अगर आपकी खुद की हल्दी है तो आप यूज कर सकते हो एक येलो कलर का पेपलम टॉप विद स्कर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। उसके अलावा अगर आप किसी और की शादी अटेंड करने वाले हो तो वहां पे आप एक येलो कलर का शरारा सूट भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसके साथ ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉडी टाइप की। अगर आप थोड़ा स्लिमर साइड पे हो तो प्लीज अवॉइड शरारा सूट, क्योंकि वो आप इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बजाय आप एक अच्छा सा येलो कलर का अनारकली गाउन या फिर अनारकली सूट अपने लिए बनवा सकते हो, तो वो भी काफी अच्छा लगेगा हल्दी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने मेहंदी फंक्शन के लिए। तो अगर आप एक ब्राइड हो तो आप एक मल्टी कलर का लहंगा ब्यूटीफुल अपने लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है मल्टी कलर लहंगा। आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली गर्ल्स आजकल बहुत ज्यादा प्रेफर करती है अपने संगीत या फिर अपने मेहंदी फंक्शन के लिए। उसके अलावा आप ग्रीन कलर का लहंगा भी अपने लिए ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी और की शादी अटेंड करनी है तो आप अगेन ग्रीन कलर का शरारा सूट ट्राई कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप थोड़ा सा स्लिमर साइड पे हो तो आप डेफिनेटली एक अनारकली कुर्ती या फिर अनारकली सूट अपने लिए ग्रीन कलर का बना सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द बिग डे, यानी कि वेडिंग डे के बारे में बात करते हैं। इफ यू आर अ ब्राइड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पेस्टल कलर्ड लहंगास। उसके साथ आप कंट्रास्ट कलर की ज्वेलरी स्टाइल कर सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो आप अगर थोड़ा सा लाइट शेड्स में जाते हो तो पेस्टल कलर के लहंगास ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा अगर डार्कर साइड में जाते हो तो डार्क में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप किसी भी कलर का लहंगा अपने लिए पिक कर सकते हो। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड पेस्टल कलर्ड लहंगा। एंड नाउ कमिंग टू द ब्राइडमेड, यानी कि अगर आप किसी और की शादी अटेंड करने वाले हो तो एक तो आजकल व्हाइट कलर में पर्ल वाला लहंगा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके अलावा कॉपर कलर का लहंगा भी आप अपने लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छा सा लुक आपको देगा एंड काफी स्टाइलिश भी लगेगा दिखने में। सो दिस इज फॉर ब्राइड्स। नाउ कमिंग टू द रिसेप्शन लुक, अगर आपका रिसेप्शन फंक्शन जो है वो डे में है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अर्ली टोन लहंगा, एम्बेलिश्ड लहंगा काफी अच्छा लगता है वो डे टाइमिंग में। एंड अगर आपका फंक्शन नाइट में है तो आप थोड़ा सा डार्क शेड के लिए जा सकते हो, जैसे कि रेड कलर का लहंगा। एंड इसके साथ कोई कंट्रास्ट कलर में ज्वेलरी आप स्टाइल कर लीजिए, अगर थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक क्रिएट करना चाहती है तो। अदरवाइज आप मोनोक्रोम लुक क्रिएट करने के लिए सेम कलर की ज्वेलरी भी स्टाइल कर सकते हो। सो दीज सजेशंस आर फॉर ब्राइड। नाउ कमिंग टू अगर आप किसी और की शादी में जाने वाले हो तो उसके लिए आप सबसे पहला सजेशन आपके लिए है एक हैवी सा शरारा सूट अपने लिए ले सकते हो। उसके अलावा आप कोई कंट्रास्ट में सूट और दुपट्टा यूज कर सकते हो, अगर सिंपल सा लुक क्रिएट करना चाहते हो तो, वो भी काफी ब्यूटीफुल लुक देगा आपको। एंड थर्ड सजेशन फॉर ब्राइड्समेड इज अ साड़ी, एक सिंपल सी प्लेन साड़ी को आप स्टाइल कर सकते हो विद हैवी ज्वेलरी। सो दिस इज माय नेक्स्ट सजेशन।